क्लास फोर के स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं सेल्फ प्रैक्टिस 3D पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सब्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ाया है। अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड कॉपी एंड सिंप्लीफाई के बारे में पढ़ा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट आपका दिया हुआ है 6733 और ये आपको दिया हुआ है माइनस का साइन, तो यहां माइनस का साइन लिखेंगे। इसके बाद 4912 नीचे लिख देंगे। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से आपका 2 गया कितना होगा 1, फिर 3 में से 1 गया आपका कितना होगा 2, 7 में से 9 आपका नहीं जाएगा, इसमें से कैरी लेंगे इसमें आपका हो गया 17, 17 में से 9 जाएगा आपका तो 8, यहां क्या बच गया आपका 5 और 5 में से 4 गया 1। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि 2 का ए, 2 का बी आप इसी तरह बनाएंगे। 2 का सी पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको दिया हुआ है 9900, इसके बाद यहां माइनस 7628, तो ये आपका बटा में चला जाएगा। इसमें से कैरी इसमें, इसमें से कैरी इसमें, ये आपका क्या हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया आपका 2, यहां क्या बच गया 9, 9 में से 2 को माइनस करना है। मैं बताया हूं आप लोगों को कि 9 तक जाना है लेकिन 2 का 2 आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 को छोड़ दीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार आपका कितना हो गया ये 7 हो गया, यहाँ 7 लिख देंगे। यहाँ आपका बच गया 8, 8 में से 6 जाएगा 2, ये है आपका 9, 9 में से 7 जाएगा 2, ये क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप बी भी घर पर बैठकर बनाएंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉपी द फॉलोइंग इन योर एक्सरसाइज बुक एंड सॉल्व, कह रहा है आपको ये सॉल्व करना है। जितने भी निम्नलिखित में क्वेश्चन दिए एक्सरसाइज में सबको सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आप कह रहा है ध्यान दीजिए, ए मशीन दैट ड्रिल्स फॉर ऑयल हैज ड्रिल्ड अप टू 1732 मीटर, हाउ मच फर्दर मस्ट इट गो टू रीच ए डीप ऑफ 3421 मीटर, कह रहा है कि 3421 मीटर डेप्थ गहराई तक जाना है, तो बोलिए कितना जाएंगे, जिसमें कि फर्स्ट में आपको 3421 मीटर डेप्थ तक आपको जाना है और वो मशीन से आप 1732 मीटर जा चुके हैं, तो और देखिए कितना जाएंगे, तो 3421 मीटर है, इसमें से आप 1732 मीटर माइनस कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि और आपको कितना गहराई तक पहुंचना है। तो इसमें से कैरी लेंगे 1, क्योंकि 1 में से ये 2 तो नहीं जाएगा क्योंकि 1 तो ज्यादा है और 2 कम है, इसमें से कैरी लेंगे तो आपका क्या होगा 11, अब 11 में से 2 को माइनस करना है तो 2 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपका कितना आ गया 5 और 4, 9 हो गया। इस प्रकार यहां क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। यहां आपका बच गया 1, 1 में से 3 नहीं जाएगा, इसमें से कैरी लेंगे तो आपका कितना हो गया 11, अब 11 में से 8 को माइनस करना है तो 8 के बाद आप गिनिए 3 के बाद गिनिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपका कितना आ गया 5 और 3, 8 आ गया, आप लिख देंगे 8। यहां आपका क्या बच गया 3, क्यों, क्योंकि इसमें से 1 ले चुका हूं, यहां बच गया 3, 3 में से आपका 7 नहीं जाएगा, इसमें से कैरी लेंगे 13,
13 में से 7 जाएगा आपका 6, यहां आपका बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब क्वेश्चन नंबर बी पर आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, ऑन वन पार्टिकुलर डे द शॉपकीपर रिसीव्ड 5928 रुपीज। कह रहा है एक दुकानदार जो है एक दिन 5928 रुपया रिसीव किया एंड गिव आउट 5021 और उसमें से 5021 रुपया दे दिया। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम एट द एंड ऑफ द डे। तो कह रहा है कि दिन के अंत तक उसके पास कितना रुपया बच गया है? तो देखिए 5921 ऊपर लिखेंगे और 5021 नीचे लिखेंगे। एक में से आपका 1 जाएगा तो 7 हो गया, ये 2 में से 2 जाएगा आपका 0 हो गया, 9 है तो 9 लिख देंगे और 5 में से 5 जाएगा आपका 0 हो गया। इस प्रकार आपको कितना रुपया हो गया, ये 907 रुपीज हो गया दिन के अंत तक। अब क्वेश्चन नंबर आप सी पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, मिस्टर खान हैज 9231 इन हिज बैंक अकाउंट। कह रहा कि मिस्टर खान के बैंक में 9231 रुपया है। ही विथड्रीव एन अमाउंट, कह रहा कि कुछ रुपया उसमें से निकाल रहे है वो, विच लेफ्ट हिज 2,552 रुपीज इन हिज अकाउंट इन द अकाउंट, और उसमें 2,552 रुपया बच गया। हाउ मच मनी डिड ही विड्रॉ। तो बोलिए वो कितना रुपया निकाले। तो ध्यान दीजिए आपका 9,231 रुपीज यह मिस्टर खान के अकाउंट में है, उसमें से यह 2,552 और बच गया है, तो कितना रुपया निकाले है। तो इसमें से कैरी लेंगे ये 1, 1 पहले से है तो 1 में से 2 नहीं जाएगा, इसमें से कैरी लेंगे 1, ये आपका हो गया 11। अब 11 में से 2 जाएगा आपका तो हो जाएगा 9। यहाँ क्या बच गया आपका 2, 2 में से 5 नहीं जाएगा, इसमें से कैरी ले लेंगे कितना हो जाएगा आपका 12, 12 में से 5 जाएगा आपका क्या हो जाएगा 7। यहाँ क्या बच गया आपका 1, 1 में से 5 नहीं जाएगा, इसमें से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से आपका 5 जाएगा 6, और ये आपका क्या बच गया 8, 8 में से 2 को माइनस करना है तो 2 के बाद आपका क्या आता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपका कितना बच गया 6। इस प्रकार यहाँ 6 लिख देंगे। आपका 3 का ए हो या बी या सी या डी या ई, ये पांचों जो है आपका सब्ट्रैक्ट है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी क्वेश्चन है आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट आप सेल्फ प्रैक्टिस 3E पर आप ध्यान देंगे कि 3E क्या कह रहा है एक्सरसाइज, इस पर ध्यान दीजिए। सेल्फ प्रैक्टिस 3E, सेल्फ प्रैक्टिस 3E का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका हेडिंग कह रहा है आपको सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट करना है, इट मीन्स घटाना है आपको। तो 6, 0, 3, 4, 5, 6 यही दिया हुआ है आपका। इसके बाद 5, 3, इसके बाद 5, 5, 4, 7 ये माइनस करना है। देखिए यह आपका क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, इसमें देख रहा हूं कि ये 6 में से 7 आपका नहीं जाएगा, इसमें से कैरी ले लेंगे आपका हो गया 16, 16 में से 7 माइनस करना है तो 7 के बाद आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस प्रकार आपका कितना हो गया 9, आप 9 लिख देंगे। यहां बच गया 4, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सपोज दैट मान लेते हैं मेरे पास 4 रुपया है और वो 4 रुपया को खा गए तो बच क्या गया 0, मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, 4 में से 4 आपका चला जाएगा, सेम डिजिट रहता है तो घटकर 0 होता है। यहाँ बच गया 4,
फोर में से आपका फाइव नहीं जाएगा, इसमें से कैरियर लेंगे आपका हो जाएगा फोर्टीन, फोर्टीन में से फाइव जाएगा तो हो जाएगा आपका नाइन। यहाँ बच गया टू, टू में से फाइव नहीं जाएगा, इसमें से कैरी लेंगे इसमें और इसमें से कैरी लेंगे इसमें तो आपका यह हो जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से फाइव जाएगा तो क्या हो गया आपका सेवन। यहाँ बच गया आपका नाइन और नाइन में से थ्री जाएगा तो सिक्स, और यहाँ क्या बच गया आपका फाइव, फाइव में से फाइव जाएगा जीरो। इस प्रकार सेल्फ प्रैक्टिस थ्री ई का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, समझा दिया हूँ, सॉल्व भी कर दिया हूँ। एक बार मिला लेंगे, इसमें से कैरी लेंगे सिक्सटीन, सिक्सटीन में से सेवन जाएगा नाइन, यहाँ बच गया फोर, फोर में से फोर जाएगा जीरो, इसमें से कैरी लेंगे फोर्टीन, फोर्टीन में से फाइव जाएगा नाइन, यहाँ बच गया टू, इसमें से कैरी इसमें, इसमें से कैरी इसमें ट्वेल्व, ट्वेल्व में से फाइव जाएगा सेवन, यहाँ आपका बच गया नाइन, नाइन में से थ्री जाएगा सिक्स, यहाँ बच गया आपका फाइव और फाइव में से फाइव गया जीरो। आप घर पर बैठकर सेल्फ प्रैक्टिस थ्री ई तक रफ कॉपी में कंप्लीट करेंगे, अगला क्लास में आपको सेल्फ प्रैक्टिस थ्री एफ पढ़ाएंगे। थैंक यू।